सर, व्हाट इज हाउ आर यू फीलिंग एट दिस पॉइंट, एंड क्या क्या लग रहा है, किस तरह का दिल में थोड़ी धक धक हो रही है जिस तरह का मैच चल रहा है अभी? धक धक का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, कैथारसिस चलना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी चाहे एंटरटेनमेंट का स्टेडियम हो, चाहे पहलवानी का हो, चाहे क्रिकेट को, स्टेडियम के अंदर जब तक गुत्थम गुत्था नहीं होता है मजा नहीं आता है आई थिंक। और फैसला होने से पहले हम भला क्यों हार माने, जग अभी जीता नहीं है, हम अभी हारे नहीं है, 100% वी विल विन दिस मैच। राजपाल भाई, क्रिकेट खेलते हैं आप? क्रिकेट देखते बहुत बहुत मन से हैं, बहुत क्रिकेट का लवर रहा हूँ, क्रिकेट की वजह से मैंने अभिनय सीखा है, टाइमिंग सीखी है। मैं क्या कनेक्शन है दोनों का, क्रिकेट का अभिनय से और अभिनय का क्रिकेट से? सर, जब एक 6.5 फीट के मैग्रा की बॉल आती थी और तेंदुलकर साहब उसके सामने होते थे, तो बॉल और बैट के बीच में सिर्फ 1 सेकंड की 10 सेकंड की टाइमिंग होती थी। टाइमिंग अच्छी है तो सिक्सर है, टाइमिंग अच्छी नहीं है तो कैच है, और आई थिंक यही सिनेमा में है। एक कमाल का कनेक्शन राजपाल जी का अभी फिलहाल जो चल रहा है, पूरे ट्विटर पे अगर आप देखेंगे इनके मीम्स बहुत चल रहे हैं, इनकी मूवीज के लोग डायलॉग और इनके जो मीम्स है वो लेकर ऑस्ट्रेलिया की पिलाई करने में लगे हुए हैं। तो राजपाल जी, आपका एक सॉलिड कनेक्शन चल रहा है अभी, आपके बड़े सारे डायलॉग ऐसे हैं मूवीज के उठा उठा के जो लोग मीम बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वो सबका प्यार है और एंटरटेनमेंट के माध्यम सबका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, लेकिन हेल्दी मैच के लिए हेल्दी ऑडियंस, हेल्दी ताली, हेल्दी एप्रिसिएशन, और मतलब सही गेंद पे सही एप्रिसिएशन, ये बात आई थिंक मैंने अपने जीवन में जितना भी अभिनय किया है, लेकिन पिछले 30 साल में जो क्रिकेट वॉच किया है, आई थिंक इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द बेस्ट क्रिकेट आई हैव एवर वॉच इन माय लाइफ। मतलब राजपाल भाई, जो पिछले राजपाल भाई, विराट कोहली के बारे में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। विराट कोहली मतलब इस टूर्नामेंट में जिस तरह से उन्होंने खेला है, सबसे हाईएस्ट रन गेटर हैं, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, किस तरह से देखते हैं उनका उनका प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में, और क्या लगता है कि मतलब इज ही द ग्रेटेस्ट, जो कहते हैं कि गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्या वो उनको उस श्रेणी में रखा जा सकता है? सर, मैं एक चीज बात बोलूं, देखिए सचिन सर का रिकॉर्ड कोई इस दुनिया में नहीं तोड़ सकता, क्योंकि एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सेंचुरी मारना ये अलग, और सौ लोग भगवान करे सेंचुरी मारे अपने देश के, ये विराट ने जितना बड़ा काम किया है, और लाखों लोगों को विराट ने जो है प्रेरणा दे दी है कि कोई भी अपन भारत में अपने एक दूसरे के बोलते हैं ना कि जो भी हमने अचीव किया है उसको हम ही लोग जो है आगे ब्रेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन तेंदुलकर सर ने पूरी दुनिया को एक बैटिंग के प्रति, एक क्रिकेट के प्रति, जो मैं मतलब तेंदुलकर साहब की वजह से क्रिकेट देखना शुरू किया, तो एक बात बताएं कि आज क्रिकेट बहुत, आज सिनेमा में क्रिकेट में 400 गुनी ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन जिन कंडीशंस में तेंदुलकर साहब ने पूरी दुनिया के सामने सेंचुरी मारने का काम किया है, आई थिंक वो प्रेरणा विराट है। विराट के बाद और बहुत सारे लोग हैं, और भगवान करे मतलब हर मोहल्ले से विराट की वजह से इंस्पिरेशन लेके और तेंदुलकर सर को प्रमाण मान के जो है आगे बढ़ेंगे, तो 100% हमारे देश की मिट्टी में बहुत ताकत है। राजपाल भाई, मेरे साथ सबा करीम साहब बैठे हुए हैं और वो आपसे बात करने को आतुर हैं, अगली आवाज उनकी है। राजपाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कि हमारी जो उम्र है पढ़ने की थी, आपकी क्रिकेट खेलने की थी, और आज भी आज अपन दोनों जवान बने, बहुत अच्छा लगा। अरे राजपाल जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, कुछ दिन पहले मैंने आपकी जो नई मूवी आई अपूर्व, उसको मैंने देखा, आपने कमाल का अभिनय किया है उसमें। आप ये बताइए, आपने जो किरदार में इतना बड़ा परिवर्तन लाया है आज के मैच में, अब भारत की तरफ से वो परिवर्तन कौन लाने वाला है? एक एक फील्डर, एक एक बॉलर, एक एक जो 11 खिलाड़ी खड़े हैं, 11 की बिल्कुल बोलते हैं हमारे यहाँ घुग्गू की तरह नजर है, घुग्गू की तरह। और थैंक यू फॉर अपूर्वा ब्रदर, मैं आई वाज वेटिंग कि मतलब मैं अपूर्वा के लिए इंतजार कर रहा था कि कोई 20 साल बाद एक कैरेक्टर ने फिर एक बिगनर बना दिया। आई थिंक इतना ही कह सकता हूँ कि फ्रॉम अपूर्वा
In 1997, I was a noon struggler, and 2023, I'm well known beginner. राजपाल भाई, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अभी मैच में 72-3 हो रहे हैं, आपके पास बॉल है, आप क्या करेंगे? स्पिन करेंगे, फास्ट करेंगे, कैसे आउट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को? मुझे लगता है कि स्पिन और फास्ट दोनों का एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा लग रहा है। ब्रदर, अभी कर सकते हैं, सिर्फ दोनों को मिलाकर बॉलिंग वही कर सकते हैं। पर बहुत बहुत मजा आया राजपाल भाई आपसे बात करने में, कमाल का इस वक्त। थैंक यू। और रोहित, रोहित के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे शमी, रोहित, मतलब एक जितने भी 11 प्लेयर हैं, 15 खिलाड़ी हैं, और जितने पीछे टीम के लोग हैं, और मैं बहुत बड़ा दीवार का जो है फैन रहा हूं, जो राहुल द्रविड़ साहब थे ना, जब खेलते थे तो एक दीवार बन के खड़े होते थे, आज पूरे विश्व कप में वो एक नेपथ्य की भूमिका में दीवार बन के खड़े हैं, उनको भी सैल्यूट करता हूँ और पूरे क्रिकेट जगत को सैल्यूट करता हूँ। और आई लव इंडिया, और इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा।